Hello, students. I'm Dr. Anurag Shrivastov from Bora Institute of Management Sciences, and uh, we are here to continue our discussion on the subject of quantitative techniques for managers in the MBA second semester of AKTU syllabus. So, uh, right now we are on the fourth unit of this uh, particular subject. We had started the fourth unit in the last session, and we are discussing about the queuing theory. So, queuing theory. क्यूंग थ्योरी का एक सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसके ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है दैट आई हिट शेयर्ड विद यू इन द लास्ट सेशन तो ऑपरेशन्स रिसर्च जिसके ऊपर ज़्यादातर ये सिलेबस बेस्ड है हमारा इसमें जो मेजर जो फोकस है वो ये है कि हम लोग किस तरह से अलग अलग मॉडल्स का मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ सॉल्विंग वेरियस डिसीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें ये मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स वेयर मैनी फार्मूले आर इन्वॉल्व एक्चुअली तो क्यूइंग थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरीके से जो भी क्यूज uh, अगर फॉर्म हो रही हैं इफ़ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑफरिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड अ क्यू गेट्स फॉर्म्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन और फॉर 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 गेटिंग योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस या फिर आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर इम्प्लॉज़ जो हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर भी कुछ क्यू का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो क्यू इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू हैव सर्टेन इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर दी ऑर्गनाइजेशंस और जहाँ पर भी ये सिचुएशन आएगी कि कुछ इकोनॉमिक्स अगर इन्वॉल्व होगी जहाँ पर भी आपके तो फिर आपके प्रोफिट्स वगैरह प्रॉफिट्स और कॉस्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और उन चीज़ों को हमें प्रॉपरली मैनेज करने की फिर ज़रूरत पड़ती है ऑर्गनेशन में तो क्यू अगर फॉर्म होगी अगर लंबी क्यू हो जाएगी तो जो कस्टमर्स आपके हैं वो सफ़र कर सकते हैं कस्टमर सफ़र करेंगे तो अल्टीमेटली आपके आपका ऑर्गेनाइजेशन आप खुद सफ़र करेंगे अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे कि छोटी क्यू रखी जाए तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो दोनों तरह से एक तरह से एक एक जगह पर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ सकती है दूसरी जगह पर आपकी जो डिससेटिसफैक्शन आपके कस्टमर्स की डिसटिस्फैक्शन के कारण से कुछ कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकती है तो इसमें एक प्रॉपर बैलेंस कैसे बनाया जाए यही पर्पज़ है क्यूइंग थ्योरी को पढ़ने का तो क्यूइंग थ्योरी में जो हम लोगों ने पहले अभी समझा है वो ये समझा है कि क्यू में क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग फैक्टर्स क्या हैं और अब इसमें क्यू एक्चुअली क्यूइंग मॉडल जो है वो भी उसमें भी कई सारे मॉडल्स इन्वॉल्व हैं ये जो पूरी क्यूइंग थ्योरी है इसमें कई अलग अलग तरह के मॉडल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कई अलग तरह के मॉडल्स हो सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि कई पैरामीटर्स होते हैं कई पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं अराइवल रेट किस तरह का है क्यू में एक क्यू में कस्टमर्स का जो अराइवल का जो पैटर्न है और अराइवल का जो रेट है वो किस तरह का है किस तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाले जो अलग अलग अगर हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में तो इसका मतलब हुआ कि हर केस में जो आपका फॉर्मूला है जो मॉडल है वो चेंज हो जाएगा और जो बेसिक फॉर्मूले हैं वह भी चेंज हो जाएंगे इसी तरह से सर्विस रेट अगर चेंज हो जाएगा सर्विस रेट ही केवल चेंज होने की बात नहीं सर्विस पैटर्न अगर चेंज हो जाएगा तो सर्विस पैटर्न जो है सर्विस रेट जो है वो किस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है वो एक्सपोनशियल uh, है या पॉइसा है या ट्रायंगुलर है अलग अलग तरह के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं किसको फॉलो कर रहा है और हर केस में अगेन जो 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 फॉर्मूले हैं जो मॉडल uh, 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 हैं है, वो चेंज हो जाएंगे अलग अलग मॉडल्स हम लोग यूज़ करते हैं जो द, आप पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हैं तो आप कितने पॉइंट्स पर कितने अलग अलग पॉइंट्स पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर कर रहे हैं या एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी चेंज हो जाएगा आपका मॉडल चेंज हो जाएगा और फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे तो ये अलग अलग कई सारी चीजें हैं फिर जो बेसिक एजम्पन जैसे यहाँ पर हमने ले रखा है कि म्यू इज ग्रेटर देन लेमडा ये हमने बात की थी कि तभी हम सबको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन ऐसा हो सकता है ऐसे भी uh, uh, मॉडल्स uh, या ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं ऐसी भी क्यूज हो सकती हैं जहाँ पर अराइवल रेट ज़्यादा है और सर्विस रेट कम है तो वहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे ये अलग अलग सारी चीज़ें हैं और फिर क्यू की डिसिप्लिन कैसी है फीफो और लीफो की हम लोगों ने बात की थी इस तरह से कई सारे क्यू डिसिप्लिन हो सकते हैं तो कौन सी क्यू की डिसिप्लिन फॉलो हो रही है उसके बेसिस पर भी मॉडल चेंज हो जाएगा तो देर आर सेवरल देर फोर मॉडल्स इन क्यूइंग थ्योरी क्यूइंग थ्योरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मॉडल्स विच आर विच विल be एप्लीकेबल इन डिफरेंट situations, इन डिफरेंट केसेस हमारे सिलेबस में एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसपे हम आएँगे ये एक रिव्यू कर लें बस एक ये इस स्लाइड पे हम लोगों ने एक्चुअली पिछले सेशन को क्लोज़ किया था और हमने कहा था देखा था कि जो बेसिकली कम से कम जितना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी और वैसे भी क्यूज़ में दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और वह हैं हमारा अराइवल रेट अराइवल पैटर्न भी और सर्विस रेट एंड साथ सर्विस पैटर्न और उसके ऊपर जो हमने बेसिक एजम्पन ले रखा है तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को याद रखनी है अरावल रेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रजेंटेड बाई द ग्रीक इस्मॉलॉलॉल लेटर लेमडा सर्विस रेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई द ग्रीक इस्मॉलॉलॉल लेटर म्यू और रिजम्पन इज दैट द सर्विस रेट इज़ ग्रेटर दैन द अरावल रेट सो दैट वी कैन सर्व ऑल दी यूनिट्स इन दिसटम एंड ट्रैफिक डेंसिटी क्या है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं और वो है लेमडा अपॉन म्यू इज़ नोन एज द ट्रैफिक डेंसिटी मैंने जैसा अभी आपको बताया कई सारे मॉडल्स हैं और वो इन पे इस पे डिपेंड करते हैं कि जो अलग अलग पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर अलग जो करेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग बात कर रहे थे पिछले सेशन सेशन में ऑफ अ क्यू उसमें जो अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हर करेक्टरिस्टिक का क्या आस्पेक्ट है क्या uh, 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 किस तरह से डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं उसके बेसिस पर अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं तो हमारे सिलेबस में एक है जो सबसे सिंपल वाला मॉडल है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो है सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल और सिंगल चैनल होने के साथ साथ जो और करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे कि जो मॉडल हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो इस मॉडल को हम लोग एक्चुअली सिंगल चैनल क्यूइंग मॉडल बोलते हैं या फिर जो इसका मैथमेटिकली जो इसको हम इसका नॉमिनक्लेचर है इट इज़ एम एम वन ऑब्लिक इन्फिनिटी फीफो मॉडल और ये जो अलग अलग जो ना नाम के जो अलग अलग, अलग पार्ट्स हैं इस नॉमिन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये अलग अलग चीज़ों को डिपेंड कर को रिप्रेजेंट करते हैं द फर्स्ट इस एम इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट द अराइवल रेट इज़ फॉलोइंग द पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन द मीन अराइवल रेट इज़ फॉलोइंग द पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन द सेकेंड एम रिप्रेजेंट्स दैट द सर्विस टाइम इज़ फॉलोइंग एन एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों एम हो गए और एक्चुअली पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन राइवल रेट ज़्यादातर केसेस में पवासा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और सर्विस रेट जो है सर्विस टाइम जो है और सर्विस रेट जो है वो ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है सर्विस पैटर्न भी तो ये दोनों चीज़ें सबसे कॉमन है लेकिन और भी जो मैंने जैसे भी नाम लिए थे ट्रैंगुलर भी हो सकता है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है इस तरह से अलग अलग और भी डिस्ट्रीब्यूशन होते थे कभी कभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है आपको मालूम है ये मान लीजिए कि ये ये क्यूइंग मॉडल केवल यहीं पर वहीं नहीं लग रहा है कि कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास एक सर्विस फैसिलिटी है और मशीन्स ब्रेकडाउन होती हैं और जब ब्रेकडाउन होती हैं तब आपके पास आएंगी सर्विस होने के लिए तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर है तो वो तो कोई एक रैंडम प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है लेकिन अगर मान लीजिए कि पीरियोडिक सर्विस होनी है मशीन्स की तो उसमें फिक्स्ड है यूनिफॉर्म है जितनी मशीन्स होंगी और हर मशीन की अगर पंद्रह पंद्रह दिन पर या पंद्रह पंद्रह घंटे पर या एक एक महीने पर इस तरह से कुछ सर्विस होनी है तो आपको मालूम है कि कब कब कितनी कितनी मशीन्स आएंगी तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है अराइवल रेट का इसी तरह से अगर आपको केवल एक इंस्पेक्शन परफॉर्म करना जब भी कोई मशीन आएगी तो एक इंस्पेक्शन ही परफॉर्म करना है तो उसमें भी आपको मालूम है कि इंस्पेक्शन में कितना टाइम लगेगा तो आ, कभी कभी यूनिफॉर्म भी हो सकता है इट डिपेंड्स हम जो मॉडल एक्चुअली देखने जा रहे हैं उसमें अराइवल रेट इज़ गोइंग टू फॉलो द पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस टाइम इज़ गोइंग टू फॉलो द एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये दो चीज़ें एक्चुअली हमारे अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे समझने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा ऐसी परेशान होने की बात नहीं है कि पॉइसआ डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और इन टेक्निकल चीज़ों को अब हम क्या करेंगे और कैसे इनको समझेंगे पहली चीज़ तो ये है कि हम एक ही मॉडल देखने जा रहे हैं तो चाहे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसी को एक ही को समझना है और वैसे भी ये आ, 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 जो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा पर्टिकुलर प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब इसका इम्प्लिकेशन केवल हमारे क्यूइंग थ्योरी के लिए इतना होता है कि हमें ये पता चल जाए कि अगर अराइवल रेट पॉर्सन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और सर्विस रेट जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो हम कौन सा सेट ऑफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे और थैंकफुली यू कैन से कि हमारे सिलेबस में जब एक ही मॉडल अगर है तो कम से कम सिलेबस की पढ़ाई के हिसाब से तो हमारे पास एक ही सेट फार्मूला का है ही हमें बस एक तरह से ये इन्श्योर कर लेना है कि ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में मैंशनड है और ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में मैंशन होंगे ही क्योंकि दूसरा कोई मॉडल हम लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं तो दूसरा कोई मॉडल तो आपसे पूछा नहीं जाएगा तो इतना ही इसका केवल प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं हमारे जो क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन के हिसाब से ये इम्प्लीकेशन है आगे चल करके अगर कहीं आपका आप में से कोई इसी में करियर बना बनाता है क्यूइंग क्यों मॉडल्स को ही स्टडी करता है और डिजन थ्योरी और डिजन साइंसेज ही जाता है तो वहां पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी वहाँ पर भी अब यही चीज़ समझने वाली है कि एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस में या बिजनेस सिचुएशंस में जब आप अगर इनको आप यूज़ करेंगे तो आप खुद ही ये डिसाइड करेंगे खुद ही स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर वायसन डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके हिसाब से फिर हमारे पास जो फॉमुले हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला हम कौन सा सेट ऑफ फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं खैर तो ये दोनों चीज़ें हो गई तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो यहाँ पर एम एम के बाद जो वन लिखा हुआ है वो वन डिनोट कर रहा है कि ये सिंगल सर्वर मॉडल है तो वन का मतलब है कि दिस इज अ सिंगल सर्वर मॉडल तो सॉरी दिस दिस वन इज नोटिंग सिंगल सर्वर मॉडल इन दिस केस तो ये भी एक सिंपल मॉडल हो गया अगर सर्वर्स बढ़ा देंगे आप ज्यादातर केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि सिंगल सर्वर मॉडल हम लोग इनकाउंटर कम ही करते हैं सिंगल सर्वर मॉडल कहाँ इंकाउंटर होगा आप कह सकते हैं नुक्कड़ पे एक पान की दुकान है वहाँ पर एक से ज़्यादा कस्टमर आ गए वहाँ पर एक ही पान लगाने वाला है वो सिंगल सर्वर मॉडल हो गया आप एक किराने की दुकान पर भी जा रहे हैं अगर थोड़ी सी बड़ी किराने की दुकान होगी तो कम से कम मे भी हो अगर दो भी वहाँ पर लोग हैं जो कि सामान निकाल करके ला रहे हैं तो वो सिंगल सर्वर मॉडल नहीं रह गया जितने भी लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उतने सर्वर्स वहाँ पे हो गए आप रिज़र्वेशन कराने जा रहे हैं और रिज़र्वेशन विंडो वहाँ पर आप जो भी जिस जगह पे भी जा रहे हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा अगर रिजर्वेशन विंडोज़ हैं तो वो भी उतनी उतने सर्वर वहाँ पर हो गए आप बैंक में जा रहे हैं और बैंक में अगर एक से ज़्यादा काउंटर्स हैं तो उतने सर्वर्स वहाँ पर हो गए तो सिंगल सर्वर मॉडल जो हैं वो छोटे मोटे कहीं कहीं कई जगहों पर आपको मिल सकते हैं शुरुआत में समझने के लिए कि किस तरह से एक्चुअली हम लोग को क्यूइंग थ्योरी को समझना है और कैसे हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पर सिंगल सर्वर मॉडल पढ़ रहे हैं तो ये हो वन जो है वो डिनोट कर रहा है कि केवल एक सर्वर ही यहाँ पर है सिंपल सिंपल सा मॉडल ये है देन इन्फिनिटी जो इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है ये बता रहा है कि जो हमारे सिस्टम की सर्विस प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो इन्फिनिट है दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म एंड दिस पर्टिकुलर सिंबल तो एम एम वन ऑब्लिक इन्फिनिटी इन्फिनिटी इम्प्लाईज़ द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम दैट इज़ इन्फिनिट क्यू डिसिप्लिन लास्ट वाला है और वो है फ़ीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो क्यू डिसिप्लिन फ़ीफो है ये इतने से पर्टिकुलर नाम से इतनी चीज़ें कन्वे यहाँ पर हो रही हैं तो द एम एम वन ऑब्लिक इन्फिनिटी फीफो मॉडल मीन्स

अराइवल रेट इज़ फॉलोइंग द पोवासल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस टाइम का है सिंगल सर्वर है कैपेसिटी सिस्टम की इन्फिनिट है और क्यों डिस्प्लिन फीफो है और उसके अलावा कुछ इन्फॉमेसन आपको और क्या दी होगी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी ऐसी जिससे कि आप सर्विस टाइम कितना है या सर्विस रेट कितना है ये पता कर सकें और कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी दी होगी जिससे कि आप अराइवल रेट का पता लगा सकें किसी भी क्यू के क्वेश्चन में और ये बात हम लोग अच्छे से समझ करके हमें चलना होगा कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फॉमूले तो हैं ही फॉमूले भी कोई ऐसे ज़्यादा नहीं है हमारे पास वी हैव अराउंड सिक्स यू कैन से फार्मूले एंड दो फार्मूले आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर ये हम लोग अभी देखेंगे तो छः फॉमूले हैं वो छः फॉमले आपको याद रखने हैं पूरे एक सब्जेक्ट में केवल छः फॉमले कोई ज़्यादा नहीं है तो छः फॉमले आपको याद रखने हैं और आई एल टेल यू अबाउट सम सम हिंट्स ऑल्सो कि किस तरह से आप जो है एक फॉर्मूले को दूसरे से रिलेट कर सकते हैं जिससे कि इसमें भी थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए है तो ये तो आपको रटना ही है समझने वाली चीज़ इतनी ही रहेगी इस क्वेश्चन क्यू के क्वेश्चन में क्यू इन थोरी के क्वेश्चन में कि कैसे हम पता करें कि लेमडा कितना है और कैसे हम पता करें कि म्यू कितना है इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी ये वैल्यू अगर कहीं आपने गलत कर दी तो पूरा का पूरा गलत हो ही जाएगा अभी इसको लोग समझेंगे तो फॉर्मूले पर आते हैं जो अलग फॉर्मूले हमारे पास हैं दो चीज़ें बेसिकली हमसे पूछी जाती हैं कि और इसी में हम इंटरेस्टेड होते हैं अगर हम कहीं भी एज अ कस्टमर इफ़ यू स्टार्ट टू थिंक तो आप कहीं जा रहे हैं आप कहीं पे भी गए आप रिजर्वेशन कराने जाएं, चाहे बैंक में जाएं, ये कुछ दो में यू कैन से टिपिकल सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर क्यूज़ फॉर्म होती थी अब तो एक्चुअली क्यूज़ भी इंटरनेट पे ही फॉर्म होती हैं तो आपने कहीं कॉल सेंटर फ़ोन किया तो वहाँ पे एक क्यू हो सकती है तो ये भी क्यूज़ भी और इन सब केसेस में भी एक्चुअली क्यूं थ्योरी यूज़ होती है और वो सारे जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कॉल सेंटर में फ़ोन किया और पता चला कि आपको आपका नंबर टेंथ है तो आप रुकोगे कि छोड़ दोगे कुछ आ, 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 उसका भी अगर आप बिना सर्विस के चले जाएंगे तो फिर आप हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ दें वहाँ से सर्विस लेना भी छोड़ दें तो वो सारी चीज़ें उनको स्टडी करने की ज़रूरत होती है और करते भी हैं जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्या इंपॉर्टेंट है एक तो कि जो लेंथ है क्यों की लेंथ है वो कितनी है और दूसरा वेटिंग टाइम कितना है दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेसिकली हम ये कह सकते हैं वैसे तो कि वेटिंग टाइम शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक मुझे याद आता है एक डॉक्टर के यहाँ मैं गया था और वहाँ पर मेरे ख्याल से जो नंबर मिला दिखाने के लिए चालीस पैंतालीस ऐसे कुछ नंबर था और शाम के साढ़े छः सात बजे जो है ऐसा लगा कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा लेकिन वहाँ पे सर्वर एक नहीं था वहाँ पे चार पांच सर्वर्स थे और इतनी तेज़ी से चल रहा था कि मेरे ख्याल से बीस पच्चीस मिनट के अंदर चालीस लोग देख लिए उन्होंने तो लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन क्या है वो फोर्टी हो गई लेकिन जो वेटिंग टाइम है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स ही हो गया ये ये दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी क्यू में कस्टमर्स के लिए ये दोनों चीज़ें सबसे मायने रखती हैं कि जब आप जाएं और देखें कि क्यू कितनी लंबी है अरे इतनी लंबी क्यू है यहाँ पे नहीं लग सकते यहाँ से हम सर्विस नहीं पाएंगे कहीं और से ले लेंगे या फिर आपको ये पता चले कि जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि वेटिंग टाइम कितना लग रहा है तो ये दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं यही दोनों चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं इन केस ऑफ क्यूइंग थ्योरी क्यूइंग मॉडल्स तो पहला जो पहली जो चीज़ है वो है लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन उसका फॉर्मूला है और इसमें भी एक्चुअली दो फॉर्मूले आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों को हम लोग समझ लें एल एंड एल क्या मतलब है ये भी दो अलग अलग चीज़ें जिनसे कि आप आ, 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 मतलब आपको होगा एज अ सर्विस टेकर तो सर्विस जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये दोनों चीजें से मतलब होगा लेंथ कितनी है वेटिंग लाइन की तो वेटिंग लाइन की लेंथ मतलब क्या हुआ कि अगर दस लोग लाइन में लगे हुए हैं दस लोगों के लाइन में प्रेजेंट होने का मतलब है जो एक्चुअली जो विंडो पे होगा जो पहला इंडिविजुअल जो विंडो पे होगा वो तो सर्विस पा ही रहा है तो वेटिंग लाइन वेट कितने लोग कर रहे हैं वेट नौ लोग कर रहे हैं जो आप आ, ऐसे ही प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं जब एक बार विंडो पे पहुंच गए उसके बाद आ, फिर हम लोग को लग भाई अब तो मिल ही जाएगी जब तक एक नंबर भी पीछे हैं तब तक थोड़ा सा यू कैन से इम्पेश्स का लेवल ज़्यादा होता है तो लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन में जो है जो इंडियल काउंटर पे है उसको हटा करके उसको छोड़ करके हम बाक़ियों को इंक्लूड करते हैं वो है वन लेकिन ऑब्वियसली है तो वो भी उसी सिस्टम का पार्ट है तो लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन या फिर कितने लोग सिस्टम में है इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट इन द सिस्टम या फिर लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन इंक्लूडिंग द आइटम दींग सर्विस्ड और बींग सर्वड वो फॉर्मूला ये दूसरा वाला है तो ये अभी मैंने आपसे कहा था कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है कि लेमडा और म्यू की वैल्यू क्या है अराइवल रेट और सर्विस रेट की वैल्यूज क्या हैं क्वेश्चन में दी हुई ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि आपसे पूछा तो जा रहा था एल वन आपने एल टू निकाल दिया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि हमें एल वन पूछा जा रहा है या कि एल टू पूछा जा रहा है ज़्यादा कंसर्न आप लोग हमेशा एज कस्टमर्स कस्टमर्स हमेशा ज़्यादातर कंसर्न एल वन से ही होते हैं तो अगर जो कहीं एम्बिग्यूटी थोड़ी सी अगर लग भी रही है तो हम एल वन कैलकुलेट करते हैं एल टू नॉर्मली क्लियरली मेन्शनड होता है तो जब साफ साफ कहा जाए कि लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन इंक्लूडिंग द आइटम बींग सर्विस्ड और ऐसे कहा सकता है कि हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर प्रेजेंट इन द सिस्टम तो सिस्टम में कौन कौन है जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो भी सिस्टम में है और जो सर्विस पा रहा है वो भी सिस्टम में तो उस केस में एल टू वरना फिर नॉर्मल केसेस में हम लोग एल वन का ही कैलकुलेशन करते हैं तो एल वन का फॉर्मुला फॉर्मूले आपके सामने आए ही इनको हम आ, 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 इनकी रिलेशनशिप्स अभी हम लोग बाद में थोड़ा सा और समझेंगे तो एलवन इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन वेटिंग लाइन में कितने लोग होंगे वो ऑन एन एवरेज वो इससे पता चल रहा है और ऑन एन एवरेज अगर हम जो आइटम सर्विस जिसको मिल रही है उसको भी हम ले लेते हैं इंक्लूड कर लेते हैं तो वो वैल्यू जो होगी इट इज़ एल टू इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा ये दो फॉर्मूले हैं ऑन एन एवरेज देन दूसरा जो आस्पेक्ट हमने अभी कहा था वो है वेटिंग टाइम क्या होगा तो वेटिंग टाइम कितना होगा उसके लिए ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं इसमें जैसे वेटिंग जैसे लाइन की बात कर रहे थे वेटिंग लाइन की बात कर रहे थे वैसे ही वेटिंग टाइम में भी होगा तो वेटिंग टाइम में भी हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूले हैं एक तो लाइन में वेट करने में का कितना टाइम होगा और लाइन में वेट करने के साथ साथ सर्विस पाने में कितना टाइम लग रहा है ये दो अलग अलग फॉर्मूले हो गए तो W1 वन डिनोट्स दी टाइम इन द लाइन दैट इज़ डब्ल्यू वन वेटिंग टाइम लेमडा अपऑन म्यू इंटू म्यू माइनस लेमडा सारे एक तो दिक्कत ये भी है थोड़ा सा इसी में आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी कि सिमिलर <coughs> से फॉर्मूले हैं तो कौन सा किसका है तो ये कुछ रिलेशनशिप्स आपको याद रखने की ज़रूरत होगी एंड वेटिंग टाइम इन द सेम वे फॉर इफ़ यू इंक्लूड द आइटम दैट इज़ बीग सर्विस्ड तो वेटिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जा रहा है कि लाइन में लगे लगे कितना टाइम हो गया और सर्विस पाने में भी कितना टाइम हो गया तो वो हो गया वन अपॉन म्यू माइनस लेमडा ये हो गए हमारे फॉर्मूले वेटिंग लाइन के और वेटिंग टाइम के इसके अलावा जो फॉर्मूला हम लोग को देखना है वो ये भी है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आप इसमें भी इंटरेस्टेड होंगे कि आप अगर कहीं पे जा रहे हैं सर्विस पाने के लिए आपको मालूम है वहाँ लाइन बहुत लंबी लगती है लेकिन कभी कभी लीन पीरियड्स में हो सकता है लाइन ना भी लगे तो ऐसा कुछ हो जाए कि जाए गए और लाइन लगी ही नहीं है आराम से तुरंत सर्विस पा गए हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्विस बींग आइडल ज़ीरो यूनिट्स प्रेजेंट हैं सिस्टम में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है पी ज़ीरो तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है वन माइनस यू कैन से ट्रैफिक डेंसिटी हमने अभी पहले देखा था पिछले सेशन में और आज के शुरुआत में भी कि लेमडा बाय म्यू इज़ द ट्रैफिक डेंसिटी लेमडा बाय म्यू इज़ ट्रैफिक डेंसिटी और एक्चुअली लेमडा बाय म्यू को हम लोग लेमडा बाई म्यू को के लिए हमारे पास एक अलग ग्रीक लेटर है दिस इज द ग्रीक स्मॉल लेटर रो लेमडा बाई म्यू को हम ग्रीक स्मॉल लेटर रो से डिनोट करते हैं ट्रैफिक डेंसिटी को ट्रैफिक डेंसिटी को ग्रीक स्मॉल लेटर रो से डिनोट किया जाता है तो ये हो गया पी जीरो प्रॉबर्टी ऑफ जीरो यूनिट्स इन द सिस्टम ये हो गई उसी तरह से प्रॉबर्टी ऑफ एन यूनिट्स इन द सिस्टम सिस्टम में एन यूनिट है वन टू थ्री फोर कितनी भी तो उसका फॉर्मूला ये है तो ये मैंने आपको बताया था छः फार्मूले हैं दो फार्मूले एक वेटिंग लाइन की लेंथ का और एक वेटिंग लाइन प्लस सर्विस पाने के में कितना लोग हो गए वो हो गया दूसरा फार्मूला था वेटिंग टाइम का तो टाइम वेट करने में कितना लग रहा है और वेट करने और सर्विस पाने में कितना टाइम लग रहा है और फिर दो फार्मूले हमारे पास ये हैं इनमें रिलेशनशिप्स जो हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देख लें तो यू कैन सी वेटिंग टाइम डब्ल्यू टू जो है इंक्लूडिंग सर्विस टाइम उसका ये फॉर्मूला है और इसमें अगर आप लेमडा को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एल टू मिल जाता है ओके सो एल टू इज इक्वल टू यू कैन से लेमडा इन टू डब्ल्यू टू सिमिलरली डब्ल्यू वन जो है वो कितना हो रहा है डब्ल्यू वन का जो फॉर्मूला uh, uh, है उसमें अगर आप डब्ल्यू टू में ट्रैफिक डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें डब्ल्यू टू में अगर आप ट्रैफिक डेंसिटी यानी कि लेमडा अपॉन म्यू ट्रैफिक डेंसिटी क्या था लेम्डा अपॉन म्यू उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको सीधे सीधे W1 का फॉर्मूला मिल जाता है इस तरीके से तो लेमडा वाई अपॉन म्यू को W2 टू टू मल्टीप्लाई किया तो लेमडा अपॉन तो, ये मिल गया और इसका रिलेशनशिप इसका और इसका रिलेशनशिप भी आपको मिल सकता है इसका मतलब है एल जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था एल को अगर हम म्यू से डिवाइड कर दें तो हमको W1 की वैल्यू मिल जाती है देन अगेन वेटिंग लाइन जो L1 का जो फॉर्मूला था वो हमें कहाँ से मिलता है L1 का जो फॉर्मूला है अगर जो W1 अभी अभी हमने निकाला W1 में अगर हम लेमडा को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें L1 का फॉर्मूला मिल जाता है तो W1 वन इंटू लेमडा गिव्स यू एलवन एंड द रिलेशनशिप तो तो ये सारी रिलेशनशिप अगर हम एक साथ देख लें तो इस तरीके से हमें सक्सेसिव फॉर्मूले मिल सकते हैं तो आपको अगर W2 पता है आपको शुरुआत W2 टू से करनी है एक तरह से ये कह सकते हैं या अपने हिसाब से भी आपको ये रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं लेकिन मुझे ये समझ में आता है W2 अगर आपको पता है तो W2 में अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया लेमडा तो आप L2 तक पहुंच गए फिर आपने जो भी फॉर्मूला मिला है उसको आपने म्यू से डिवाइड कर दिया तो आपको डब्ल्यू मिल गया और फिर से आपने उसमें लेमडा मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको एल मिल गया तो W2 से L2 मिला L2 से W1 मिला W1 से L1 मिला W2 टू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू टू मल्टीप्लाइड gives यू एल टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन म्यू गिव डब्ल्यू वन मल्टीप्लाइड बाई अगेन लिमडा गिव्स यू एल वन तो इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं अल्टीमेट एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले दूसरे फॉर्मूले से तीसरे फॉर्मूले पे ये सारे इक्वेलिटी इस तरह से नहीं है इस तरह सब चीज़ें एक दूसरे के बराबर नहीं है एक एक करके सक्सेसिवली हम लोग इनको लिख सकते हैं तो ऐसे अगर आप याद करने की कोशिश कर करके और फॉर्मूले सारे फॉर्मूले फिर आपको यह नहीं याद करने पड़ेंगे और कुछ एक फॉर्मूले याद करके भी काम हमारा हो जाएगा इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मूले हैं उसमें क्या है प्रोबेबिलिटी का जो जनरल फार्मूला था वो ये था प्रोबेबिलिटी का जो जनरल फार्मूला था ये था हम लोगों ने दो फार्मूले देखे थे हमने पी का फार्मूला भी देखा था कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो सिस्टम में है वो एन है और हमने दूसरा फार्मूला जो देखा था वो एक्चुअली पहला फार्मूला देखा था वो था पी जीरो का कि देर आर देर देर इज़ अ सिंगल सॉरी देर आर नो यूनिट्स इन द सिस्टम आप गए और विंडो पे कोई भी नहीं है आराम से आप जा कर के आपको सर्विस मिल गई तो ये जो दो फार्मूले हैं ये दोनों फार्मूले भी एक तरह से आप अगर देखें तो एक ही फार्मूला है ये दोनों अलग अलग नहीं है क्योंकि पी एन इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू होल्ड टू द पावर एन इन टू वन माइनस ट्रैफिक डेंसिटी या भी ये भी कर सकते हैं इसका मतलब आपको क्या याद रखना है ये फॉर्मूला है क्या दिस इज ट्रैफिक डेंसिटी दिस इज ट्रैफिक डेंसिटी लेमडा अपॉन म्यू ट्रैफिक डेंसिटी टू द पावर एन ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस ट्रैफिक डेंसिटी ट्रैफिक डेंसिटी को की एन की पावर हो गई मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस ट्रैफिक डेंसिटी ये बेसिकली फॉर्मूला है हमारा जो प्रॉबिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इन द सिस्टम का ट्रैफिक डेंसिटी आपको पता है एन की वैल्यू आप चेंज करते जाइए और एक यूनिट सिस्टम में है दो यूनिट सिस्टम में है एक भी यूनिट सिस्टम में नहीं है उसका आपको रिजल्ट जो है जो प्रॉबिलिटी का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी और उसमें अगर आपने एन की वैल्यू ज़ीरो अगर रख दिया तो फिर इस तरीके से वो सिंप्लीफाई होकर के पी जीरो मिल जाता है तो इन फॉर्मुलों को यूज़ हम लोग करेंगे और इनको कैसे किस तरह से न्यूमेरिकल्स करते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक यू